जय भीम और नमस्कार। मैं सुबह से सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा था देखने के लिए कि आज पुनः पैक का दिन है और कितने अंबेडकरवादी इस दिन को याद करते हैं और उस पर ट्वीट करते हैं। मुझे बहुत कम लोग याद करते हुए और ट्वीट करते हुए दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि आज का दिन ये क्रांतिकारी दिवस है क्योंकि हजारों साल के इतिहास में पहली बार जिनको अछूत किया जाता कहा जाता था, आज के लफ्जों में जिनको दलित कहा जाता है, इन्होंने सवर्ण समाज को इस पूना पैक के माध्यम से झुकाया और अपने साथ एग्रीमेंट करने पर मजबूर किया। एक तरीके से अपने आप को रिकॉग्नाइज किया, मान्यता प्राप्त की और इस व्यवस्था में वजूद की तरह सामने आए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक आजादी का दिन है जिससे हमको छुटकारा मिली। एडमिनिस्ट्रेशन हम जिसको कहते हैं, चाहे वो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन हो या राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें जाने का, काबिज करने का और हुकूमत करने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि इस मौके को फायदा उठाना चाहिए और बाबा साहब जो कहते थे कि सत्ताधारी बनो, इस देश पर राज करो, ये इसी माध्यम से हो सकता है। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जो पुना पैक की निंदा करते हैं वो ना समझ है ना उनको कोई समझ है। अगर होती तो शायद वो निंदा नहीं करते। कितनी जगह मिली या कितनी जगह नहीं मिली, उससे सबसे बड़ा इशू था कि सवर्णों को पहली बार दलितों ने झुकाया और उनका ये विजय दिवस है। आज हम इसको विजय दिवस के माध्यम से मनाएं तो उम्मीदें और अधिकार दोनों को हम लोग हिफाजत कर सकते हैं। आप करेंगे, इसी से मैं संतुष्ट हूं और आगे की जनरेशन जो है, पीढ़ियां जो है, उनके अधिकार की भी हम लोग संरक्षण करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं रजा लेता हूं। जय भीम, नमस्कार।